Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today, I would like to discuss a landmark case of constitutional law which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai TMA Pai Foundation versus State of Karnataka. Ye 2002 ka case hai. Aur ye jo case hai, wo mukh roop se Indian Constitution ke Article 29 aur 30 pe based hai. Aur is case mein Supreme Court Indian Constitution ke Article 29 aur 30 ke तहत minority institution ke right ko explain karti hai. Supreme Court kehti hai, pehla कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और उसके प्रशासन को संभालने का अधिकार हर सिटीजन को मिला हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g) और 26 के तहत, और यही अधिकार माइनॉरिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत मिला है। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने का अधिकार सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं मिला है, सबको मिला हुआ है। दूसरा, माइनॉरिटी के तहत दो तरह के माइनॉरिटी आते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। तीसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी राइट जो है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर करता है। चौथा, अन एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट के एडमिशन को स्टेट रेगुलेट तो नहीं कर सकती, लेकिन उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ज़रूर तय कर सकती है ताकि इंटरेस्ट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे। एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये राइट है कि वो माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट का एडमिशन लें, लेकिन साथ ही साथ स्टेट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीजनेबल अमाउंट में नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट को भी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दें। छठा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना अलग प्रोसीजर और मेथड ऑफ एडमिशन अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर और मेथड ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट सेंट स्टीफेंस कॉलेज केस में अपने पुराने दिए गए डिसीजन को भी पार्टली ओवररूल करती है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि माइनॉरिटी एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कम से कम 50% जो एडमिशन है वो नॉन माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को भी लेना होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो एक रिजिड क्राइटेरिया है, और हम किसी भी माइनॉरिटी एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डिस्कशन पर यह बात छोड़ देती है कि वो अपने कॉलेज में कितने परसेंटेज एडमिशन नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट का लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 के तहत माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ये सब राइट बताए हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।